हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ आज हम करेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है जिसमें अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो आपको करवा दी हैं। तो आज हम करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है उसका नाम आता है चंबल नदी। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम पहले वो कर लेते हैं। तो जो चंबल नदी है, पहले इसका नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम है चंबल नदी के। तो चंबल नदी को चरमवती, चरमवती नदी और कामधेनु नदी कहते हैं। यानी कि जो चंबल नदी है उनके कितने नाम है, तो चंबल नदी के तीन नाम है। कौन कौन से? एक तो चंबल नदी, दूसरा चरमवती नदी और तीसरा कामधेनु नदी। तो चंबल नदी के ये जो नाम है सबसे पहले आपको वो पता होने चाहिए। चंबल नदी के तीन नाम है और जो चंबल नदी है वो तीन राज्यों से गुजरती है। अब चंबल नदी किन किन राज्यों से गुजरती है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान से और उसके बाद उत्तर प्रदेश। इन तीन राज्यों से चंबल नदी गुजरती है। तो सबसे बेसिक जो बात है वो ये है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है और उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है। तो जो चंबल नदी है, यानी कि जो राजस्थान है उसके साथ क्या है, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, एक विंध्याचल पर्वत है जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर क्या है, विंध्याचल पर्वत। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है तो यहाँ पर क्या है, एक जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जनापाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी है जो, वो मध्य प्रदेश में से जो विंध्याचल पर्वत है वहां पर जनापाव की जो पहाड़ियां हैं वहां पर एक क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम आता है महू। तो जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल जो पर्वत है वहां पर जनापाव की पहाड़ियां और महू क्षेत्र है जो उसके निकट से निकलती है। अब ये जो नदी है ये यहाँ से निकलने के बाद क्या है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो ये बनता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की जनापाव की पहाड़ियों से और महू क्षेत्र है जो उसके निकट से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है। तो जो चंबल नदी है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान का मैप है उसमें जो चित्तौड़गढ़ है वो दो टुकड़ों में है। एक तो इस तरफ मेन चित्तौड़गढ़ का भाग है और एक छोटा सा भाग इस तरफ भी है। तो जो चंबल नदी है वो यहीं से क्या है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो अब राजस्थान के किन किन जिलों से गुजरती है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो जो राजस्थान की तीन ऐसी नदियां हैं जो कि छह छह जिलों से गुजरती है, एक लूनी नदी, एक आ जाएगी चंबल नदी और एक आ जाएगी बनास। लूनी, बनास और चंबल है जो, वो छह जिलों से गुजरती है। और जो चंबल नदी है वो किन छह जिलों से गुजरती है, तो पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। उसके बाद कोटा, इसके बाद बूंदी, उसके बाद ये सवाई माधोपुर, उसके बाद ये जाती है करौली में एंड देन ये धौलपुर में जाती है। उसके बाद ये यहाँ से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यानी कि ये छह जो जिले हैं यहाँ से गुजरती है और इनके नाम क्या हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो अब हम यहाँ पे चंबल नदी की एंट्री करवाते हैं। तो चंबल नदी है जो वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद जो चंबल नदी है वो क्या है, कोटा और जो बूंदी है उनकी क्या है, सीमा के साथ बहती है। तो आपको एक तो मैप अच्छे से आना चाहिए और जो एक राजस्थान के मैप की वीडियो भी हमने बनाई हुई है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि मैप कैसे बनाते हैं। तो अब क्या है कि ये जो चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे क्या है, कोटा और ये है बूंदी। तो इन दोनों की क्या है, सीमा के साथ बहती है। इस तरीके से जो चंबल नदी है वो बहती है। इसके बाद क्या है, ये सवाई माधोपुर में एंटर करती है। तो उसके बाद क्या है, ये सवाई माधोपुर आ गया, कोटा के ऊपर क्या है, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद ये क्या है, करौली में प्रवेश करती है। उसके बाद ये धौलपुर में जाती है एंड धौलपुर के बाद क्या है, ये नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इस तरीके से ये छह जिलों से गुजरती है, चित्तौड़गढ़, उसके बाद कोटा और बूंदी की सीमा के साथ बहती है, इसके बाद सवाई माधोपुर, फिर करौली और उसके बाद धौलपुर। इस तरीके से ये छह जिलों में बहने के बाद कहाँ पर एंटर करेगी, उत्तर प्रदेश में। तो ये
तीन राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। तो जो ये चंबल नदी है वो क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ये जो चंबल नदी है वो बाद में उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है इटावा। तो इटावा में क्या है, ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो चंबल नदी है जो वो यमुना नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जो चंबल नदी है उसका क्या है, अपवाह क्षेत्र हमने देख लिया, इसके नाम भी हमने देख लिए, कितने राज्यों से गुजरती है वो भी देख ली, और कितने जिलों से गुजरती है और कौन कौन से राजस्थान के जिलों से गुजरती है, ये सब चीजें हमने देख ली। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि जो चंबल नदी है वो किस प्रकार की नदी है। तो ये 12 मासी नदी है, यानी कि ये पूरे वर्ष भर बहती रहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो चंबल नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ये उत्खात भूमि का निर्माण करती है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, बीहड़ का जो निर्माण करती है। इसके बाद इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो चंबल नदी है उस पर टोटल 4 बांध है, कितने बांध है, 4 बांध है। चंबल नदी पर टोटल कितने बांध है, 4, जिसमें से जो 3 बांध है वो तो है राजस्थान में और जो 1 बांध है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश है उसमें कोई भी बांध नहीं है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है। तो मध्य प्रदेश में जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। तो चंबल नदी पर टोटल 4 बांध है, कौन कौन से, एक तो है गांधी सागर बांध जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो अगला बांध है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर भी क्या है, चंबल नदी का एक बांध है और यहाँ पर एक प्रपात भी है। तो सबसे पहले हम बांध के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे ये जो जो यहाँ पे एक प्रपात बना हुआ है, जल प्रपात, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बांध है इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। क्या नाम है, राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद जो 2 बांध है वो कहाँ पर है, ये कोटा के क्षेत्र में आते हैं। एक जो बांध है वो कोटा और जो बूंदी है उसके बीच में आता है, जिसका यहाँ पर आता है, जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है, जवाहर सागर बांध। इसके बाद जो एक और बांध है उसका नाम है कोटा बैराज, जो कि क्या है, कोटा में स्थित है, इसका नाम है कोटा बैराज। तो इस तरीके से चंबल नदी पर क्या है, 4 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहले जो ये देखते हैं कि 3 बांध राजस्थान में है और 1 मध्य प्रदेश में। जो पहला बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। उसके बाद राजस्थान में जब एंटर होती है चंबल नदी तो वहां पर चित्तौड़गढ़ में एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद जब ये कोटा और बूंदी की सीमा के साथ बहती है तो यहाँ पर भी एक बांध है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। उसके बाद ये आगे जब जाती है तो कोटा में एक और बांध है जिसका नाम है कोटा बैराज। तो आपको इसी तरीके से लाइन वाइज ये नाम याद करने होंगे। इसके बाद क्या है, चंबल नदी पर एक जल प्रपात भी है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, चै से नाम आता है, चै से चंबल, और ये कहाँ पर है, चै से चित्तौड़गढ़, और इस बांध का नाम क्या है, चूलिया जल प्रपात, जो कि क्या है, चै से ही है। तो इस तरीके से आपको याद करना इजी हो जाएगा कि चंबल नदी पर च से चित्तौड़गढ़ में, च से चूलिया जलप्रपात है, और ये चित्तौड़गढ़ में भैंसरोड़गढ़ एक क्षेत्र है वहां पर है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा जलप्रपात भी बना देते हैं। तो ये क्या है, चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है चूलिया जलप्रपात, और ये सबसे ऊंचा है राजस्थान का बांध, सॉरी जलप्रपात सबसे ऊंचा है। ठीक है, इस तरीके से जो चंबल नदी है ये होगी। इसके बाद चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो आपको याद करने के लिए क्या करना होगा कि आपको मैं कुछ वर्ड्स बता देती हूँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे कि आप P2, यानी कि जो P से भी 2 नदियां हैं, इसके बाद B2, इसके बाद K2, इस तरीके से आप क्या है याद कर सकते हो। अब इसकी कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कि P2 है यानी कि पार्वती और परवन, ये जो 2 नदियां हैं ये क्या है, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, पार्वती प्लस परवन। उसके बाद क्या है, B2, B2 से कौन सी बनती है, एक तो बनास नदी जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद है बामनी नदी। ये जो 2 नदियां हैं ये भी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद है K2, K2 से काली सिंध, और एक नदी का नाम है काली सिल,
एक है सिंध और एक है सिल्क। उसके बाद एम से कौन सी नदी है, मेज नदी। तो इस तरीके से जो चंबा नदी की सहायक नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इसमें से अगर पूछना चाहे तो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, P2 से पार्वती प्लस परवन, B2 से बनास और बामनी, K2 से काली सिंध और काली सील, एम से मेज नदी। तो इस तरीके से जो आपकी चंबल नदी है ऑलमोस्ट हो चुकी है। चंबल नदी का उद्गम स्थान आपको बता दिया गया है, उसके बाद चंबल नदी किन राज्यों से गुजरती है ये भी बता दिया, फिर जो चंबल नदी है वो किन राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है आपको ये भी बता दिया, लास्ट में ये उत्तर प्रदेश है जो वहां पर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद इसके ऊपर चार बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक बांध तो आपका मध्य प्रदेश में आता है और जो दो तीन बांध है वो कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। इसके बाद इसके ऊपर एक जलप्रपात है जो कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में है, जिसका नाम है चूलिया जल प्रपात। इसके बाद जो अगली नदी है वो है बनास नदी, जो कि क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी है और ये भी राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। अब ये इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, कहाँ से ये उद्गम होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर साइड में लिख देंगे तो इस तरीके से हमें जो याद करना भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बनास, बनास का सबसे पहले हम नाम देखेंगे कि बनास को और किस नाम से जाना जाता है। तो बनास का नाम है वन की आशा, वन की आशा, इसे क्या है, वन की आशा भी कहते हैं बनास नदी को। अब जो बनास नदी है वो भी क्या है, 6 जिलों से गुजरती है। तो ये कौन कौन से जिले हैं, राजसमंद, इसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, टोंक, उसके बाद सवाई माधोपुर। ये जो 6 जिले हैं यहाँ से क्या है, बनास नदी गुजरती है। तो अब जो बनास नदी है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, राजसमंद, तो ये राजसमंद में से निकलती है। इसके बाद क्या है, ये जो नदी है वो चित्तौड़गढ़ में बहती है। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद क्या है, ये जो नदी है ये जाएगी ऊपर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर क्या है, भीलवाड़ा, तो ये भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है और उसके बाद भीलवाड़ा से ये क्या है, अजमेर, तो भीलवाड़ा के ऊपर क्या है, अजमेर, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, तो ये अजमेर में प्रवेश करती है। अजमेर में प्रवाहित होने के बाद अजमेर की इस तरफ क्या है, टोंक, फिर ये टोंक में बहती है और उसके बाद क्या है, ये सवाई माधोपुर में जाकर, सवाई माधोपुर में एक जगह है जिसका नाम है रामेश्वर, क्या नाम है, रामेश्वर, तो ये सवाई माधोपुर में जो रामेश्वर नाम की एक जगह है, यहाँ पर क्या है, जो चंबल नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, B2 यानी बनास और बामनी। तो जो बनास नदी है वो क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो कि बनास नदी का उद्गम स्थान, तो बनास नदी जो राजसमंद से निकलती है, उसके बाद ये 6 जिलों से बहती है, उसके बाद ये रामेश्वर जो कि सवाई माधोपुर में है इसमें चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और जो इसका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो बनास नदी है वो राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली नदी है, यानी कि ये पूर्ण रूप से कहाँ पर प्रवाहित होती है, राजस्थान में, यानी कि इसका जो उद्गम स्थान है वो भी क्या है, राजस्थान में, और राजस्थान में ही ये क्या है, ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या है, ये पूर्ण रूप से राजस्थान में प्रवाहित तो होती है। इसके साथ ये जो बनास नदी है ये नदी बारहमासी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो बरसाती नदी है, बरसात जब होती है तभी ये जो नदी है वो बहती है, उसमें क्या है, जल होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया बनास नदी का उद्गम स्थान, उसके बाद ये कहाँ पर मिल जाती है, किन किन जिलों में ये प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे कि बनास नदी है जो उसके ऊपर भी क्या है, एक बांध बनाया गया है। तो जो बनास नदी पे बांध बनाया गया है वो कहाँ पर है, वो टोंक में है, और जो टोंक में ये एक जगह है जिसका नाम है बिसलपुर। तो ये इस बांध, ये जो जगह है बिसलपुर, यहीं पर क्या है, बिसलपुर बांध बनाया गया, यानी कि टोंक में क्या है, बिसलपुर बांध बनाया गया है। और ये जो बांध है ये किससे बनाया था, तो आपने पढ़ा होगा ये चौहान, चौहान वंश आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में एक थे विग्रहराज यानी कि बिसलदेव, बिसलदेव ने क्या है, टोंक में बिसलपुर बांध बनवाया था, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बिसलपुर बांध, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है, तो ये टोंक में स्थित है। अब हम देखेंगे कि जो बनास नदी है इसके कौन कौन से सहायक नदियां हैं, तो जो बनास नदी है उसकी कौन सी सहायक नदी है, तो खारी, कोठारी, इसके बाद धील,
और जो दो मेन नदी है वो आपको ज्यादा ध्यान देनी है, एक तो है बेड़च और एक है मेनाल। ये जो दो नदियां हैं बेड़च और मेनाल, इसको आपको ज्यादा ध्यान देना है। और क्यों ध्यान देना है इसका भी एक क्वेश्चन बनेगा, तो वो हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बनास नदी के बारे में यही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रवाह क्षेत्र हमने पढ़ लिया, दूसरा उसके ऊपर एक बांध बनाया गया तो वो कौन सा बांध है, तीसरा कि राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली नदी है, बरसाती नदी है, चौथा इसकी सहायक नदियां। इसके बाद जो अगली नदी है वो हम पढ़ने वाले हैं बेड़च नदी। अब ये जो नदी है इसका उद्गम स्थान क्या है, किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो बेड़च नदी है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका उद्गम स्थान क्या है। तो जो उदयपुर है वहां पर क्या है, एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। क्या नाम है, उदय सागर झील। तो जो बेड़च नदी है सबसे पहले क्या है कि ये जो नदी है ये उदयपुर में गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से निकलती है। तो यहाँ से जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम होता है आयड़ नदी। इसके बाद ये जो आयड़ नदी है ये उदय सागर जो झील है वहां पर बहती है, यानी कि इसमें प्रवेश करती है, और जब ये यहाँ से निकलती है तब इसका नाम क्या बनता है, बेड़च नदी। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, आयड़ नदी, उसके बाद क्या है, बेड़च नदी। यहाँ पर क्या है, उदय सागर झील में से निकलने के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च। तो ये तीन जिलों से गुजरती है। तो पहले हम इसके जिले देख लेते हैं, एक तो है उदयपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, और तीसरे नंबर पे आता है भीलवाड़ा। तो ये तीन जिलों से गुजरती है। तो यहाँ से हमने इसको उदयपुर में प्रवेश करवा दिया। उदयपुर के बाद ये जाती है चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो चित्तौड़गढ़ है ये वाला क्षेत्र क्या है, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ से ये प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ में बहती है। इसके बाद ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में क्या है, जो आपने पढ़ा था कि जो बनास नदी की क्या है, ये एक सहायक नदी है बेड़च नदी। तो ये कहाँ पे मिल जाएगी, बनास में। तो ये बनास नदी में, यानी कि जो भीलवाड़ा है यहाँ पर क्या है, बनास नदी में मिल जाती है। तो भीलवाड़ा के बिगोंद नामक जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, बनास नदी में बेड़च नदी जाकर मिल जाती है। और यहीं पर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है मेनाल नदी। तो यहाँ पर क्या है, तीन नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो बनास नदी होगी, दूसरा बेड़च नदी बनास नदी में जाकर मिल गई, और तीसरी जो नदी है इसका नाम है मेनाल नदी। क्या नाम है, मेनाल नदी। तो जो ये तीन नदियां यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर क्या है, एक त्रिवेणी संगम बनता है। तो जो त्रिवेणी संगम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो भीलवाड़ा में जो त्रिवेणी संगम है वो कौन से तीन नदियों से मिलकर बनता है, तो एक तो हो जाएगी बनास, दूसरी बेड़च, और तीसरी हो जाएगी मेनाल नदी। जब ये तीन नदियां यहाँ पर मिलती हैं तब क्या है, त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये भीलवाड़ा में जो मांडलगढ़ क्षेत्र है वहां पर बिगोंद में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। अब ये जो नदी है इसके ऊपर भी क्या है, एक बांध बनाया गया है। अब इसके ऊपर कौन सा बांध है तो हम वो देखते हैं। तीनों ही नदियों पर क्या है, बांध है। तो जो इस नदी पे बांध बनाया गया है वो कहाँ पर है, वो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में है। यहाँ पर क्या है, एक बांध है, और इस बांध का क्या नाम है, तो इस बांध का नाम है गोसुंडी बांध। यहाँ पर एक गोसुंडी शिला लेख भी मिलता है, और यहाँ पर क्या है, गोसुंडी बांध भी है। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बेड़च नदी है उस पर कौन सा बांध है, तो आपका आंसर आएगा गोसुंडी बांध। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो बेड़च नदी है उदय सागर झील में से निकलने से पहले इसका क्या नाम होता है, तो इसका पहले नाम था आयड़, उसके बाद क्या नाम बन जाता है इसका, बेड़च नदी। और ये बनास नदी में कब मिलती है या किस जिले में मिलती है, तो ये भीलवाड़ा के जो मांडलगढ़ क्षेत्र है वहां पर बनास नदी में मिल जाती है। और इसी क्षेत्र में दो और नदियां मिलती हैं, एक तो बनास खुद नदी होगी, एक बेड़च, और तीसरी मेनाल। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, त्रिवेणी संगम बनता है। तो इस तरीके से आज हमने आपको तीन नदियों के बारे में करवाया है, एक चंबल नदी, दूसरा आ जाएगा बनास, और तीसरा बेड़च। ये तीनों ही नदी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही नदियों पर बांध बनाए गए हैं, और तीनों ही नदियां हैं जो वो राजस्थान में, यानी कि जो दो नदियां हैं वो राजस्थान में छह छह जिलों से गुजरती है, और जो तीसरी नदी है वो तीन जिलों से गुजरती है। एंड आई होप आपको ये नदियां हैं जो वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो और नदियां हैं उनकी भी वीडियो आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताइएगा। आई होप आपको ये जो नदियाँ करवाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही हमने बंगाल की खाड़ी
से पहले अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो करवा दी हैं, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। और जो राजस्थान का मैप किस तरीके से बनाया जाता है, इसे किस तरीके से भरा जाता है, वो भी आपको एक वीडियो में हमने सिखाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।